चलिए फ्रेंड्स, आंवला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। और सबसे पहले बात करें तो ये जो है ये सोर्स है विटामिन सी का, बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन सी का, या मैं कहूँ सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। और वो इसलिए क्योंकि एक चम्मच अगर आप आंवला खाते हैं तो आपको जो डेली रिकमेंडेशन विटामिन सी की है उसका 7 गुना विटामिन सी आपको मिल जाता है। और ये आपकी हेल्प करता है इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में। तो इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है आपको रोग लगेंगे ही नहीं। और ना सिर्फ विटामिन सी बल्कि विटामिन ए का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। डेली आपको जितना विटामिन ए चाहिए उसका 120% यानी कि 20% ज़्यादा आपको एक चम्मच आंवला खाने से मिल जाएगा। और विटामिन ए इतनी मात्रा में आपको मिलेगा तो आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी आपकी बरकरार रहेगी, बहुत ही बेनिफिट आपको होगा आंवला लेने से। इसके अलावा बात करें तो आंवला एकमात्र ऐसा खट्टा फ्रूट है, ऐसा सिट्रस फ्रूट है जिसको हम दूध के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है, संतरा, मौसमी, किसी की भी बात कर लीजिए, कोई भी खट्टी चीज़ आप दूध के साथ नहीं ले सकते हैं, आंवला सिर्फ अकेला ऐसा है। तो ये इसका गुण सबसे इसको अलग बनाता है। इसके अलावा आंवला में एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है जिससे ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देने वाला बन जाता है। और अगर बात करें तो आंवला में एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं यानी कि ये कैंसर तक को ख़त्म कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्ट्स थे आंवला के बारे में। बात कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स इससे हो सकते हैं हमें। आंवला के बेनिफिट्स मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आंवला का यूज़ करना है, कौन कौन इसको यूज़ करे, कौन कौन इसको ना यूज़ करे, इन सब के बारे में आपको बता दूंगा। और अगर आपको यूज़ करना है तो दिन में कितना करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ मेन मेन इसके बेनिफिट्स। वैसे तो आंवला के बहुत बेनिफिट्स हैं, अगर सब डिस्कस करने लग जाएँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ मेन मेजर बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ आंवला के। और बात करें तो सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्ट करता है विटामिन सी होने की वजह से। इसके अलावा आई डिसऑर्डर जितने भी होते हैं वो ये आंवला ख़त्म करता है और प्रिवेंट करता है एजिंग को, एंटी एजिंग होता है तो असमय बुढ़ापा आपको नहीं आएगा। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको ये रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरह मेटाबोलाइज करके अमीनोज में कन्वर्ट करने के जो एंजाइम्स होते हैं उनको इनक्रीज करता है। इसके अलावा बात करें तो यूरिनरी सिस्टम हेल्दी रखता है, यूरिन से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये सॉल्व करता है। इसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड इशू ये सॉल्व करता है, लीवर और स्टमक के लिए बहुत बढ़िया है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर, दोनों को ही ये सपोर्ट करता है। तो आंवला को दोनों ही ले सकते हैं, मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, कोई भी आंवला ले सकता है। इसके अलावा बोन की हेल्थ के लिए, हड्डी की हेल्थ के लिए आंवला बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए आंवला बहुत अच्छा है, कफ एंड कोल्ड को ट्रीट करने में आंवला बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए आंवला बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए आंवला बहुत अच्छा है, हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए आंवला बहुत अच्छा है। इसके अलावा बात करें तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ब्लड में से। और अगर हेयर के लिए बात करें, बालों के लिए बात करें तो हेयर फॉल कम करता है, प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग को कम करता है, यानी कि ऐसमय आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं, कम एज में बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आंवला उसको ठीक कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो डैंड्रफ को भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है और हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, बाल आपके जल्दी बढ़ेंगे। और अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये ब्लीडिंग नोज को भी ख़त्म करता है, यानी कि किसी के शरीर में ज़्यादा गर्मी होती है, उसको नाक से खून आने लगता है तो आंवला उसको भी क्योर करता है, क्योंकि आंवला की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी कोल्ड होती है, आंवला जो स्वभाव है आंवला का वो ठंडा है, तासीर इसकी ठंडी होती है, इसलिए ये रनिंग नोज को भी बंद कर देता है, ब्लीडिंग नोज को। इसके अलावा बात करें तो टीथ्स और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, एनीमिया को क्योर करता है, जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है रेड ब्लड सेल्स उनको भी इंक्रीज़ करता है और खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा खून को यह प्योरी फाई भी करता है, किडनी से जो स्टोन होते हैं किडनी में उसको फ्लश करने में हेल्प करता है, सोर थ्रोट से आपको मुक्ति दिलाता है, इसके अलावा इन्फेक्शन को ख़त्म करता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसके अलावा ब्रेन पावर और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए आंवला बहुत अच्छा है, पिंपल्स, रिंकल्स, एक्ने, इस तरह की कोई भी आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी आंवला क्योर करता है, स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करता है, अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो आप आंवला डेली रेगुलर बेसिस पे लीजिए और आपके स्पर्म काउंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, पाइल्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है, बॉडी से जो
टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा जो डैमेज स्किन सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करने के लिए आंवला बहुत अच्छा रहता है। स्किन फेयरनेस आपकी जो है उसको बरकरार करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए आंवला बहुत अच्छा है। माउथ अल्सर जिसको हो जाता है शरीर में गर्मी की वजह से, पेट में गर्मी की वजह से मुँह में छाले हो जाते हैं कई बार, तो उसको भी ये ठीक करता है। इसके अलावा आपको प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, यूवी रेज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उससे आपको बचाता है। इसके अलावा आपको ये यंग और यूथफुल बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मेजर बेनिफिट्स आंवला के। आप देख पा रहे हैं कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इसको अमृत के समान माना गया है। तो फ्रेंड्स ये बेनिफिट्स थे, अब बात करते हैं आंवला कैसे कैसे लेना है आपको। अगर आप आंवला पाउडर ले रहे हैं तो 2 से 5 ग्राम यानी कि आधा से 1 चम्मच तक आप आंवला पाउडर ले सकते हैं दिन में 2 बार, गुनगुने पानी के साथ या फिर शहद के साथ भी आप ले सकते हैं। और खाना खाने से आप पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आंवला पाउडर जो है वो खट्टा और कड़वा हो सकता है टेस्ट में, तो खट्टा और कड़वा होने की वजह से अगर आप उसको नहीं ले पाएँ, या बच्चे कई बार उसको नहीं ले पाते, बड़े भी कई बार टेस्ट की वजह से उसको नहीं ले पाते, आपको वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ भी आपके साथ ऐसा इशू है, तो आप आंवला की टैबलेट भी ले सकते हैं। आंवला की टैबलेट भी अवेलेबल है, मार्केट में भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। और ऑनलाइन अगर टैबलेट और आप पाउडर लेना चाहते हैं तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी। और अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो 1 टैबलेट आपको दिन में 2 बार लेनी है, वही गर्म पानी के साथ, खाना खाने से पहले या बाद में जैसे भी लेना चाहें ले सकते हैं। और मेन बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, आंवला का कोई भी साइड इफेक्ट वैसे तो नहीं है, लेकिन आप कुछ इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वैसे मेजर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको पूरी ज़िंदगी के लिए भी ले सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। कुछ अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ आंवला किस किस को नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशन में वो साइड इफेक्ट दे सकता है। तो हाइपर एसिडिटी के जो पेशेंट हैं उनको आंवला नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आंवला डाइजेशन को क्योर करता है, मैंने आपको बताया अभी बेनिफिट्स में, लेकिन जो हाइपर एसिडिटी के पेशेंट हैं उनको, जिनको जो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, जो बड़े लेवल पर बन रही है, उनको उस समय आंवला नहीं लेना चाहिए जिस समय उनको एसिडिटी बनती है, क्योंकि ये एसिड को और बढ़ा सकता है। इसका जो नेचर है वो खट्टा है, एसिडिक ही है, तो ये एसिड के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बार आपकी एसिडिटी थोड़ी क्योर होती है उसके बाद आप इसको कंटिन्यू लेना शुरू कीजिए, तब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन एसिडिटी के टाइम पे आप इसको मत लीजिए। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया आंवला जो है नेचर में ठंडा होता है, तो कफ एंड कोल्ड के जो पेशेंट हैं उनको उस कंडीशन में आंवला नहीं लेना चाहिए जिस समय उसको उनको कफ एंड कोल्ड हो चुका है। अगर आपको ऑलरेडी कफ एंड कोल्ड हो चुका है तो आप अभी इसको ना लीजिए, एक बार आपका ठीक होता है उसके बाद फिर आप इसको लेंगे तो ये आपके कफ एंड कोल्ड को आगे नहीं होने देगा, इन द फ्यूचर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, इम्यूनिटी इंक्रीज होगी आपकी। और अगर बात करें तो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो हैं उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आंवला पाउडर लेना चाहिए, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना कंसल्ट करे भी ले सकते हो, लेकिन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में अच्छा रहता है कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो बेस्ट रहता है। इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई आपको बीमारी है अलग तरह की, आपको कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप आंवला पाउडर लें। इसके अलावा बात करें डायबिटीज़ के पेशेंट की, तो उनको आंवला यूज़ करना चाहिए, आंवला पाउडर वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंवला कैंडी भी आता है, आंवला मुरब्बा भी आता है, आंवले के कई रूप आते हैं, तो आंवला कैंडी या आंवला मुरब्बा जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट को यूज़ नहीं करना है, बिकॉज उनमें जो शुगर कंटेंट है वो काफ़ी हाई होता है। इसके अलावा आप आंवला हर कोई यूज़ कर सकते हैं, और डायबिटीज़ के भी जो पेशेंट हैं वो आंवले का पाउडर ले सकते हैं, आंवले की टैबलेट ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर, उसमें शुगर ना हो, मुरब्बा ना लीजिए, कैंडी मत लीजिए। जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है वो किसी भी रूप में आंवला का यूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी एक क्विक इन्फॉर्मेशन आंवला के बारे में, और आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि क्यों आंवला को धरती पर अमृत बोला गया है। तो आप भी अपने डेली डाइट में आंवला को शामिल कीजिए और आप रिजल्ट देखेंगे, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट ही देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के